गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम हमारे इस अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, नए शहर कैसे बने इस पॉइंट से। इसका हमारा प्रथम जो पॉइंट है, बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि कुछ शहर बंदरगाहों के किनारे, कुछ शहर किलों के रूप में और कुछ शहर सेवा केंद्र के रूप में। बंदरगाह जैसे बंबई, किले जैसे कि मद्रास का किला, कलकत्ता का किला, और सेवा केंद्र जैसे कि रेलवे स्टेशन, बीमा कंपनी के दफ्तर, बैंक कॉलोनी, ये सारे के सारे नए शहरों के निर्माण के आवश्यक तत्व थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ कि 18वीं शताब्दी के अंदर मद्रास, कलकत्ता और बंबई महत्वपूर्ण क्या थे, बंदरगाह बन गए थे। और यहाँ पर आकर के जो आबादी बसी वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने भी इन्हीं बस्तियों के साथ में लगाए। फिर उसके बाद में इन बस्तियों में जब उन्होंने अपने कारखाने बनाए, संग्रह के डिप्पू बनाए, तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो दूसरी जो कंपनियां थी, कौन सी कंपनियां थी, दूसरी कंपनियों के साथ जो प्रतिस्पर्धा थी, कौन कौन सी कंपनियां थी, फ्रांस के साथ, डचों के साथ, पुर्तगालियों के साथ, आपस में इनके झगड़े होते थे, स्थानीय जो शासक थे उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ होती थी। इसलिए अपनी बंदरगाह के ऊपर जो संग्रह किया हुआ माल था उसको बचाने के लिए इन्होंने किसका निर्माण किया, किलों का निर्माण, किसका निर्माण किया, किलों का निर्माण किया। इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण किले थे, कितने किले थे, तीन। कलकत्ता के अंदर जो किला था उसका जो नाम था वो था फोर्ट विलियम। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत बार पूछे जाते हैं, कलकत्ता के किले का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। मद्रास का जो किला था उसका नाम क्या था, सेंट जॉर्ज। और मुंबई में जो किला था उस टाइम की जो बंबई था उसको खाली फोर्ट के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं किलों के अंदर जो गोरे लोग होते थे वो रहते थे, यूरोपियन लोग इन्हीं किलों के अंदर रहते थे। बाकी के जो भारतीय व्यापारी थे या कारीगर थे, भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार, ये सारे इन किलों से क्या रहते थे, बाहर रहते थे। उनके लिए क्या बनाए गए थे, क्वार्टर बनाए गए थे। उन क्वार्टरों में ये लोग रहते थे। और उस समय के लेखन से या उस समय की जो सूचनाएं हमें मिलती है उससे हमें पता लगता है कि दो प्रकार के नगर बसाए गए थे। एक का नाम तो था वाहिट टाउन, जैसे कि नाम से ही पता है इसमें सिर्फ गोरे लोग रहते थे। कौन रहते थे, गोरे लोग, यानी कि अंग्रेज रहते थे। वाइट का मतलब सफ़ेद चमड़ी वाले। दूसरा था ब्लैक टाउन, अब ये नाम से ही है, काले लोगों के लिए, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनके लिए अलग से बस्ती बसाई गई थी, उनको क्या बोला गया था, ब्लैक टाउन, और उन्हीं के अंदर वो रह सकते थे। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ रेलवे का नेटवर्क बढ़ा, किसका नेटवर्क बढ़ा, रेलवे का जो है नेटवर्क जो है बढ़ा। और इस कारण स्थानीय जो गांव थे उनको किससे जोड़ दिया गया, शहरों से, यानी कि शेष जो भारत था उससे जोड़ दिया गया। और नतीजा ये हुआ, स्थानीय क्षेत्र का जो कच्चा माल था और मजदूर जो है इन रेलों के जरिए कहाँ पर आ जाते थे, इन बंदरगाह पर, और वहीं पर अपने रोजगार की तलाश में रुक जाते थे और वहीं पर बस जाते थे। इस कारण ये बंदरगाह के शहर क्या हो गए, विकसित हो गए। और भारत के अंदर सस्ते श्रम की कोई भी कमी नहीं थी। और पहली जो है सूती कपड़ा मिल 1854 में अंग्रेजों ने कहाँ पर लगा दी, बंबई में लगा दी। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर किसकी मिलें लगा दी, जूट की मिलें। जूट की मिलें कहाँ लगी, कलकत्ता में, और जो सूती कपड़े की मिलें थी वो कहाँ पर लगी, बंबई में। और भारतीय जो मजदूर थे वो यहाँ पर आकर के अपनी मजदूरी करने लगे। और धीरे धीरे जो है जो अर्थव्यवस्था, पहले जो फैक्ट्री के उत्पादन पर आधारित नहीं थी, अब धीरे धीरे वो फैक्ट्री की तरफ क्या हो गई, चली गई।
और इस कारण जो है नए औद्योगिक शहर भारत के अंदर बसे, एक तो था कानपुर और दूसरा कौन सा था, जमशेदपुर। कानपुर के अंदर जो है सूती कपड़े की मिल लगी और जमशेदपुर के अंदर किसका जो है कारखाना लगा, लोहा इस्पात का, लोहा व इस्पात का। और भारत के अंदर जो है औद्योगिक विकास होना भी क्या हो गया, शुरू हो गया। कानपुर के अंदर सूती जो वस्त्र होते थे उसके साथ चमड़े की चीज़ें भी बनती थी। और भारत भी, भारत जो है वो कभी भी एक औद्योगिक उत्पादन का देश नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पक्षपात की नीति अपनाई और उन्होंने सिर्फ भारत के जो बंदरगाह थे वहीं पर जो है माल को कच्चा लेके आते थे और तैयार माल उन्होंने भारत के अंदर बेचा। भारत के कच्चे माल का उन्होंने भारत के अंदर जो है तैयार माल के अंदर प्रसंस्करण नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है एक नया शहरी परिवेश। और ये नया जो शहरी जो परिवेश था वो क्या था कि बहुत से अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीयों की भाषा नहीं समझते थे, तो उन्हें सबसे पहले तो ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो दोनों भाषा जानते हो, क्या हो, दूभाषीय हो, जो अंग्रेजी भी जानते हो और उसके साथ में स्थानीय भाषा भी जानते हो, ताकि वस्तुओं का मोल भाव किया जा सके, कच्चे माल का जो है मोल भाव किया जा सके। दूसरे जो व्यक्ति यहाँ इस नए शहरी परिवेश में आए वो थे बिचौलिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कच्चा माल और उनके तैयार माल के लिए मंडी उपलब्ध करवाते थे। तीसरे यहाँ व्यक्ति अस्तित्व में आए भारतीय व्यापारी, जो बिचौलिए थे उनके साथ साथ में कुछ ऐसे भारतीय अमीर जमींदार थे जिन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। और चौथी बात हुई थी माल आपूर्तिकर्ता, जो माल आ जाता था उसको आपूर्ति वाले तक यानी कि पहुंच वाले तक क्या करना, पहुंचाना। तो इसके काम में लगने वाले जो भारतीय थे वो सभी कहाँ पर रहते थे, शहर में रहते थे। तो नदी या समुद्र के किनारे पर जो है आर्थिक गतिविधियाँ थी और इसके धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र के किनारों पर जो है माल जब उतरता था तो गोदाम बने, गोदाम के साथ साथ जो है काम धंधा करने के लिए जो पूंजी था उसका आवागमन करने के लिए वाणिज्यिक कार्यालय बने। इसके अलावा बैंकिंग संस्थान, यातायात के डिपू और बीमा एजेंसियों की स्थापना यहाँ पर होने लगी। इसके साथ में कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम था राइटर्स बिल्डिंग। अब इसका निर्माण नाम से ही पता है, राइटर्स का मतलब होता है लेखन, यानी कि क्लर्क, जो काम किया जाता था कंपनियों में उनकी लिखा पढ़त के लिए, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया गया जिसके अंदर सभी लेखन का ही काम करते थे। इसलिए उस बिल्डिंग को किसके नाम से जाना गया था, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना गया था। और राइटर्स से हमारा यहाँ पर जो तात्पर्य था वो किससे था, क्लर्कों से था, किससे था, लेखन करने वाले क्लर्कों से था। और ये जो क्लर्क थे इनका जो है ब्रिटिश जो नौकरशाही थी उसके अंदर कद बहुत बढ़ गया था। किले की जो चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट जो है वो रहते थे और उन्होंने भी यूरोपीय लोगों की तरह महल बना लिए थे। और वो लोग भी जो है शहर की सीमा से सटे हुए थे और उन्होंने अपने बगीचा घर बना लिए थे। तो शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब बनाए गए, क्या बनाए गए, क्लब। इसमें अंग्रेज ही जाकर के घूम सकते थे। रेस कोर्स बनाए गए घोड़ों को दौड़ने के लिए, रंगमंच जो है वहां पर बनाए गए ताकि ये लोग खाली समय में अपने मनोरंजन का आनंद ले सके। इसके अलावा जो भारतीय जो अमीर भारतीय एजेंट थे और बिचौलिए थे उन्होंने बाजारों के आसपास जो ब्लैक टाउन था उसमें जो है परंपरागत के जो है दलानी जो है मकान बनवाए और उन्होंने भविष्य के अंदर पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर क्या कर ली, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद ली। और अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वो क्या करते थे, त्यौहार जब आते थे तो रंगीन दावतें होती थी और वहाँ पर अपने घरों में उनको बुलाया जाता था और समाज के अंदर वो अपनी हैसियत जो है साबित करने के लिए मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे ताकि भारतीय लोग उनके अंदर अपना विश्वास करना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे मजदूर वर्ग के लोग जो है अपने यूरोपियन और भारतीय स्वामियों के लिए क्या करते थे, खानसामा यानी कि उनका खाना बनाते थे। खानसामा का जो सामान होता था, उनकी पालकी थी उनको ढोते थे, पालकी वाहक थे, गाड़ीवान थे उनकी गाड़ियों को क्या करते थे, चलाते थे, चौकीदार थे उनके जो भवन थे उनकी जो है देखभाल करते थे, उनकी रखवाली करते थे। और ये सारे के सारे लोग जो है मजदूरों के रूप में जो सेवा दे रहे थे, ये इलाकों से बाहर कहाँ पर रहते थे, कच्ची झोपड़ियों में, किसमें रहते थे, कच्ची झोपड़ियों में ये लोग रहते थे।
लेकिन धीरे धीरे 19वीं सदी के मध्य में जब आए तो औपनिवेशिक शहर जो है उसका जो स्वरूप था वो क्या हो गया, बदल गया। और ये बदल किस कारण गया था, 1857 की क्रांति की वजह से। किसकी वजह से बदला था, 1857 की क्रांति की वजह से, क्योंकि अब अंग्रेजों को भय था कि अगर इस प्रकार की क्रांति अगर दोबारा हो गई तो फिर उन्हें अपने जान और माल का बचाव करना जरूरी है। इसलिए उन्हें लगता था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए और शहरों की भी हिफाजत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अपने जान और माल की क्या करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो देशी लोग हैं इनको जो है हमसे क्या किया जाए, दूर किया जाए, इनको क्या किया जाए, दूर किया जाए, इनको जो है पुराने कस्बों के अंदर क्या कर दिया जाए, बसा दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, उन लोगों ने अपने आप को उन लोगों से दूर करने के लिए जो चारागाह की जो जमीन थी या जिन जमीनों के ऊपर क्या थे, वन थे, वन और चारागाहों को क्या किया गया, साफ किया गया। चारागाहों को क्या किया गया, साफ किया गया और वहां पर नए शहर बसाए गए। क्या बसाए गए, नए शहर, जिनको किस नाम से जाना गया था, सिविल लाइंस। किस नाम से जाना गया था, सिविल लाइंस। और इन सिविल लाइंसों के अंदर केवल और केवल किसको बसाया जाता था, गोरों को बसाया जाता था। हमने ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के बारे में पढ़ा, अब इन्होंने क्या किया, सिविल लाइंस, इनके अंदर केवल और केवल जो है गोरे लोग रहते थे और उनकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं इसी के अंदर उपलब्ध होती थी। और इन स्थानों की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया गया था, छावनियां बना दी गई थी जिसके अंदर भारतीय सैनिक रहते थे और वो इन इलाकों की क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। और इन शहरों की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, चौड़ी सड़कें थी। क्या थी, चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों के बंगले, बैरक, परेड मैदान, चर्च से लैस ये छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए क्या थी, एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। वो अपने जीवन को यहां पर क्या करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। यूं तो अगर हम कहें कि भारतीय जो कस्बे थी उनकी जो घनी और बेतरपी जो बसावट थी, विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना थी। अंग्रेजों की नज़र में ये जो इलाके थे काले, वो किसका कारण थे, अराजकता। वो कहते थे ये जो काले जो लोग हैं जी, ये जहाँ पर रहते हैं वो लोग क्या हैं, अराजक हैं, हो अल्लाह करने वाले हैं, और ये लोग क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। भारतीय लोगों के जो ब्लैक टाउन के बारे में अंग्रेजों की जो विचारधारा थी वो क्या थी, वो ये मानते थे कि, ये प्रश्न आ जाता है कई बार ब्लैक टाउन के प्रति अंग्रेजों के क्या विचार थे, तो वो क्या मानते थे, इनको अराजकता का केंद्र मानते थे, हो अल्लाह का, गंदगी का और बीमारी फैलाने का मानते थे। इसलिए काफ़ी समय तक तो अंग्रेजी लोगों ने इनकी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हैजा और प्लेग जैसी महामारी फैली तो इनका ध्यान किस ओर गया कि यदि हम ब्लैक टाउन की सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ की बीमारी धीरे धीरे कहाँ पर आ जाएगी, व्हाइट टाउन में आ जाएगी, सिविल लाइंस में फैल जाएगी। तब औपनिवेशिक अफसरों ने क्या किया कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़े कदम उठाए और उन्होंने जो है ब्लैक टाउन से बीमारी कहाँ पर ना फैल जाए, व्हाइट टाउन में ना फैल जाए, इसलिए साफ सफाई के जो है कड़े प्रबंध किए गए। और इसी के तहत जो भारतीय जो शहर थे उसके अंदर जो निर्माण की गतिविधि थी उन पर अंकुश लगाया गया। और लगभग इसी समय जो नालों की जो निकासी थी उसको बदल करके भूमिगत पाइपलाइनें बिछा दी गई, जल आपूर्ति के लिए भूमिगत क्या बिछा दी गई, पाइपलाइनें बिछा दी गई। नाली और निकासी के अंदर जो गंदा पानी जाता था उसके लिए भी जो है सीवर लाइन बिछा दी गई। और भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी क्या हो गया, एक अहम तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है हिल स्टेशन। अंग्रेज जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु को क्या मानते थे, बीमारी का घर। तो जब ग्रीष्मकालीन मौसम आता था, जब बहुत ज्यादा मौसम गर्म आ जाता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे स्थान की तलाश करते थे जहां पर ठंड हो। इसलिए ये कहां पर चले जाते थे, पर्वतों पर चले जाते थे। और उसके लिए जो पर्वत जो बनाए, पर्वतों के ऊपर जाते थे वहां पर आवास बनाए गए। क्या बनाए गए, आवास। और इन्हीं आवासों को क्या बोला गया था, पर्वतीय स्टेशन। अब बात आ जाती है कि ये पर्वतीय स्टेशन क्यों बनाए गए थे, ये बनाए गए थे सैनिकों के लिए। किसके लिए बनाए थे, सैनिकों के लिए।
जब युद्ध ना हो तो सैनिक आराम करने के लिए, क्योंकि गोरे जो सैनिक होते थे वो गर्म मौसम के अंदर बहुत मुश्किल से अपना क्या कर पाते थे, रहन सहन कर पाते थे, तो उनको बीमारी से बचाने के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए उनको कुछ समय के लिए कहाँ पर भेजा जाता था, इन पर्वतीय स्टेशनों पर भेजा जाता था, इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा, छावनी, छावनी स्टेशन बोला जाने लगा। और शिमला जो है वो पहला हिल स्टेशन बना था। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, शिमला जो है, या ये पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले हिल स्टेशन का नाम बताइए, तो कौन सा था, शिमला था। और कई बार ये भी आ जाता है कि पर्वतीय छावनियाँ क्यों बनाई गई थी, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, सैनिकों के लिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर फौजी ठहर सके, और यहाँ से क्या था, सरहदें जो थी, जो सीमाएँ थी, उनकी क्या की जा सके, रक्षा की जा सके, और दुश्मन के ऊपर हमला बोलने के लिए भी ये स्थान क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारतीय पहाड़ों की जो जलवायु थी वो कैसी थी, मृदु थी, और ठंडी जलवायु का फायदा की चीज़ माना जाता था। और अंग्रेज जो है गर्म मौसम को क्या मानते थे, बीमारी पैदा करने वाला, उन्होंने गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज़्यादा आशंका रहती थी, तो फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये जो हिल स्टेशन थे वो किसकी तरह बन गए थे, छावनी की तरह बन गए थे। और जो हिल स्टेशनों की जो जलवायु थी वो यूरोप की तरह क्या थी, ठंडी थी, और नए शासकों को यहाँ की आबो हवा क्या करती थी, बहुत लुभाती थी। तो कई बार तो वायसराय क्या होता था, अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर डेरा डाल लेते थे, लेकिन 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी जो काउंसिल थी उसको शिमला में स्थानांतरित कर लिया, और गर्म मौसम में राजधानी बदलने के सिलसिलों पर भी क्या लग गया, विराम लग गया। और शिमला जो है भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी क्या बन गया, अधिकृत आवास। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कवर हो जाता है कि हिल स्टेशनों का निर्माण क्यों किया गया था। तो ये जो हिल स्टेशन थे जो भारत के अंदर निर्मित किए, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो ये अंग्रेज और यूरोपियों के लिए क्या थे, आदर्श स्थान थे। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ इमारतें जो बनी वो भी कौन सी शैली की बनी थी, यूरोपीय शैली की। और यहाँ पर मकानों के बाद धीरे धीरे कटे विला और बागों के बीच में कॉटेज बनाए गए, एंग्लिकल चर्च, शैक्षणिक संस्थान, आदर्श जो है यूरोपीय जो स्थापत्य शैली था उसका क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पर क्या होता था, सामाजिक दावतें होती थी, चाय होती थी, बैठक होती थी, पिकनिक होती थी, रात्रि भोज होते थे, मेले होते थे, रेस होती थी, तो रंगमंच जैसी सारी घटनाओं के कारण जो है यूरोपियों को का जो जीवन है वो एक खास किस्म का यहाँ पर बन गया था। और रेलवे के आ जाने से ये पर्वतीय शहरगाहें जो हैं वो लोगों की पहुँच तक हो गई, अब भारतीय लोग भी यहाँ आने लगे। और उच्च जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जैसे महाराजा था, वकील था, व्यापारी था, वो सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर आने लगे, और वहाँ उन्हें यूरोपीय शासक जो है अभिजन के निकट होने का भी संतोष मिलता था। उन्हें ये लगता था कि यूरोपियन जो शासक उनके वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, नज़दीक हैं। और इन हिल स्टेशनों और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पास के इलाकों के अंदर चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित किए गए, मैदानी इलाकों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ आने लगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपियों की सैरगाह नहीं रह गए। क्योंकि शुरुआत में जब इनका निर्माण हुआ था तब तो ये खाली किसके लिए निर्मित किए गए थे, यूरोपियन लोगों के लिए, लेकिन अब भारतीय लोग जो हैं, व्यापारी जो हैं, भारतीय जो शासक है वो भी यहाँ आने लगे। इसके अलावा यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के जब बागान लगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपीय लोग ही नहीं है, भारतीय मजदूर भी यहाँ आकर के रहने लगे। उसके बाद में हमारे पास जो नया पॉइंट आता है वो आता है नए शहरों के अंदर सामाजिक जो जीवन है कैसा था। अगर हम नए शहरों को अगर देखेंगे तो यहाँ अमीर थे एक तरफ तो कौन लोग थे, अमीर थे, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े महलनुमा उनके आवास थे, बहुत जो है भोगविलास का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर कौन थे, गरीब लोग क्या थे, दूसरी तरफ थे। ये जो दूसरी तरफ के जो लोग थे वो क्या करते थे, ये उस समय के जो यूरोपियन लोग थे उनके घरों की सफाई करते थे, उनकी जो घोड़ा गाड़ी थी उनको चलाते थे, उनकी जो गाड़ी है उनकी रखवाली करते थे, या उनकी गाड़ियाँ चलाते थे, या उनके महलों की जो है रखवाली करते थे, या उनके बागों की जो है सफाई करते थे, इस प्रकार का जो है वो काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है अब अपने आवास जो है वो कहाँ बना लिए, उन्हें दफ्तरों से दूर। और दफ्तरों से दूर क्यों बना लिए, क्योंकि अब किसका संचालन हो गया, बसों का और ट्रामों का और रेलवे का।
इससे क्या होता था, दूर बसे हुए अपने स्थान से भी व्यक्ति अपने दफ्तर में हर रोज आना और जाना कर सकता था। इससे क्या हुआ कि जो पुराने शहरों के अंदर जो सामंजस्य था उसका एहसास अब क्या हो गया, गायब हो गया। अब उसका स्थान किसने ले लिया, टाउन हॉल बन गए, सार्वजनिक पार्क बन गए, रंगशालाएं बन गई और सिनेमा हॉल बन गए। ऐसे सार्वजनिक जो स्थान बनने से शहरों के अंदर लोगों को मिलने जुलने की क्या मिल गई, एक नई जगह मिल गई। यहाँ पर आकर के जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते थे, मिल सकते थे। इस कारण जो है शहरों के अंदर नए सामाजिक समूह बने और लोगों की पुरानी पहचानें क्या हो गई, खत्म हो गई। और वो नए जो सामाजिक जो वर्ग थे वो कौन थे, क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट। इन सब की मांग बढ़ी व्यापार की वजह से, इन सब की क्या बढ़ी, मांग बढ़ी। इसका नतीजा क्या हुआ, एक नया वर्ग उभरा जिसका नाम था मध्यम वर्ग। यानी कि जो सामाजिक जो जीवन था उसके अंदर एक नए वर्ग का क्या हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। और उस नए वर्ग को किस नाम से जाना गया, मध्यम वर्ग। और उन मध्यम वर्ग के पास क्या था, शिक्षण संस्थानों तक अच्छी पहुँच थी। यानी कि स्कूल जा सकते थे, कॉलेज जा सकते थे और लाइब्रेरी जा सकते थे। तो शिक्षित समाज होने के कारण सरकार के बारे में वो कहाँ पर पढ़ लेते थे, अखबारों में पढ़ लेते थे, पत्रिकाओं में पढ़ ले सकते थे। और सार्वजनिक जो सभा थी उसके अंदर सरकार के प्रति अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। नई बहस और चर्चा का जो है सामाजिक दायरा बढ़ गया। सामाजिक जो रीति रिवाज थे, कायदे कानून थे और तौर तरीकों के ऊपर इन मध्यम वर्ग के शिक्षित लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मजदूरों की जो माली हालात थी उसके ऊपर इन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। औरतों के बारे में जो उनको अधिकार नहीं मिले हुए थे तो औरतों के लिए नए अवसर थे, क्योंकि औरतें क्या थी, पितृसत्तात्मक जो कायदे कानून को बदलने की कोशिश करने लगी। अब उन्होंने रूढ़िवादियों को समाप्त करने के लिए अपने प्रयास करने शुरू कर दिए। क्यों करने शुरू कर दिए, क्योंकि महिलाएं भी अब क्या हो गई थी, पढ़ने लिखने लगी थी। मध्यम वर्ग के विकसित होने की वजह से स्कूल और कॉलेजों के अंदर महिलाओं ने भी शिक्षा ग्रहण हासिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो पुरातनवादी लोग थे, जो रूढ़िवादी जो लोग थे, उनको ये डर था अगर ये महिलाएं पढ़ जाएंगी तो ये जितने भी कानून हैं उनको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। इसलिए वो लोग महिला की जो शिक्षा का समर्थन करने वाले जो सुधारक थे उनको कहते थे भी औरतों को तो केवल माँ और पत्नी के रूप में ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। लेकिन समाज सुधारक ये कहते थे कि नहीं, महिलाओं को जो है घर की चार दीवारी को छोड़ करके क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और महिलाओं ने सार्वजनिक जो स्थान थे वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। किस रूप में, नौकरानी के रूप में, किसके रूप में, नौकरानी के रूप में। मजदूर बनने लगी, शिक्षिका बनने लगी और जो सिनेमा हॉल थे या रंगमंच थे वहां पर रंगकर्मी के रूप में। अब महिलाओं ने घर की चार दीवारी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। समाज के अंदर एक नया बदलाव आ रहा था, फिल्मों के अंदर कलाकार के रूप में भी। और ऐसी महिलाएं जो है लंबे समय तक, उनको जो महिलाएं नौकरी करती थी या रंगमंच के ऊपर रंगकर्मी का काम करती थी या कहीं पर जाकर के मजदूरी करती थी, उन्हें समाज के अंदर सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ये देखिए, सामाजिक रूप से उनको सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकल कर सार्वजनिक स्थानों में क्या हो रही थी, जा रही थी। लेकिन शहरों के अंदर मेहनतकश गरीबों और कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था और ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार उम्मीद से कहाँ आ रहे थे, शहरों की तरफ भाग रहे थे। क्यों, क्योंकि सभी लोगों को शहरों में क्या दिखाई देता था, नया अवसर। और कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण भी खींच रहा था। जो शहरों का जो जीवन था वो बड़ा आकर्षक था, बड़ा रंगशाली था, इसलिए लोग शहरों की तरफ आना चाहते थे। और शहर के अंदर एक खास बात और थी कि जीने की जो लागत है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता था। और ज़्यादातर जो पुरुष प्रवासी अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर आ जाते थे और शहर की जो जिंदगी है वो एक संघर्ष की जिंदगी थी। क्यों, क्योंकि नौकरी यहाँ पक्की नहीं थी, खाना यहाँ महंगा था और रिहाइश का खर्च उठाना भी मुश्किल था। फिर भी जो गरीब लोग हैं प्राय एक अलग जीवंत तो शहरी संस्कृति उन्होंने रच ली। वे धार्मिक त्योहारों में, तमाशों में और स्वांग आदि उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे और उनमें से ज़्यादातर भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का क्या करते थे, वो लोग मजाक यहाँ पर उड़ाते थे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।